नशीली दवाओं की तलाश में ड्रग इंस्पेक्टर ने भारी पुलिस बल के साथ पलिया में मेडिकल स्टोरों पर मारा छापा। जनपद लखीमपुर खीरी के पलिया कस्बे नशीली दवाओं की विक्री किए जाने की सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर सुनील कुमार रावत ने पुलिस बल के साथ अचानक कुछ मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान टीम को किसी प्रकार की प्रतिबंधित दवाओं का स्टॉक और उसकी बिक्री होती नहीं मिली। छापामार कार्रवाई की सूचना से मेडिकल स्टोरों के संचालकों में हड़कंप की स्थिति मची रही। कई घंटों तक टीम ने क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि मेडिकल स्टोरों पर नशीली दवाओं की बिक्री न हो सके, इसको लेकर समय समय पर ड्रग इंस्पेक्टर सुनील कुमार रावत औचक छापामार अभियान चलाते हैं। डीआई सुनील कुमार रावत ने बताया कि कुछ दिनों से उन्हें शिकायतें मिल रही थी, शिकायत के आधार पर औचक कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोई भी मेडिकल स्टोर संचालक नशीली दवाओं की बिक्री करता मिला तो वह उसका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। साथ ही यह भी बताया कि इनकी मिलीभगत से होने वाले असली तस्कर भी पकड़ में नहीं आते हैं। बताते चले कि जनपद की पलिया तहसील से सटे भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर गोरीफिंटा पर अक्सर नशीली दवाओं की तस्करी की सूचनाएं मिलती रहती है। वह तस्कर भी पकड़े जाते हैं, पर पकड़े गए तस्कर केवल करिया ही होते हैं, पर असली तस्कर कभी पकड़ में नहीं आते। Thank you.